हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इनोवेटिव आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा छोटा है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। और ये डिवाइस अगर आप अपने पॉकेट में रखते हैं तो आपके पॉकेट के अंदर जो वॉलेट है, जो पर्स है, वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा। और जैसे ही कोई आपके वॉलेट को पॉकेट से बाहर निकलेगा तो तुरंत आपको पता लग जाएगी यहाँ पर जो बजर है ये रिंग करना स्टार्ट कर देगा। और ये जो डिवाइस है ये बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइसों में बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस टाइप से हमें बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक टिक टेक की चॉकलेट के जो डिब्बा होता है उसका यूज़ किया है, जो दिखने में बहुत ही छोटा होता है और फ्लैट भी होता है। और फिर हमने यहाँ पर एक लिपो बैटरी लिया है, लिपो मतलब लिथियम पॉलीमर बैटरी। और इसको चार्ज करने के लिए हम यहाँ पर एक चार्जिंग मॉड्यूल ले रहे हैं जो आपको आसानी से 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। वैसे इन सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसके बाद आपको इस टाइप का एक पीजो बजर चाहिए होगा जो आपको आसानी से मिल जाएगा। और फिर हम यहाँ पर एक रीड स्विच का यूज़ करेंगे जिसको मैग्नेटिक स्विच भी कहते हैं, और इसका भी परचेस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसके बाद आपको इस टाइप का एक बैंड स्विच चाहिए होगा, इसको स्लाइड स्विच भी कहते हैं। और फिर आपको इस टाइप का एक न्यूडेमियम मैग्नेट चाहिए होगा, और ये आपको मिल जाएगा इस टाइप के जो स्पीकर होते हैं मोबाइल फ़ोन का स्पीकर, इसके अंदर। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक ट्रांजिस्टर, BC547 NPN ट्रांजिस्टर है ये। और फिर आपको दो रेजिस्टर चाहिए होगा, एक होगा 1 किलो ओम का और दूसरा होगा 100 ओम का। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने यहाँ पर एक होल किया है और इस पर हम अपनी बजर को फिट करेंगे कुछ इस टाइप से। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से फिट हो गए हैं। और यहाँ पर हम एक स्विच को फिट करेंगे जो बैंड स्विच हमने लिया था, और ये बहुत ही आसानी से फिट हो रहा है। और फिर हम यहाँ पर अपना चार्जिंग मॉड्यूल लेंगे और इसको हम यहाँ पे ग्लू गन या फिर किसी भी टाइप का ग्लू से हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमें बैटरी को लगाना है इस मॉड्यूल के साथ। तो यहाँ पर मेंशन रहता है बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, तो हमें सिंपली बैटरी का टर्मिनल्स यहाँ पे सोल्डर कर देना है। और अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही सेफ तरीके से चार्ज हो रहा है, और ये बैटरी को डाउन होने से बचाएगा और ओवरचार्ज होने से भी बचाता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए, आप यहाँ पर जो मल्टीमीटर के वायर्स है इसके साथ मैंने रीड स्विच लगाया है, और अभी हम इसको कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर देंगे। और फ्रेंड्स, जो रीड स्विच होता है वो नॉर्मली ओपन रहता है, तो जैसे ही हम मैग्नेट इसके पास लाते हैं तो ये क्लोज होता है और यहाँ पर मल्टीमीटर बीप कर रहा है। तो अभी हमें इसी चीज़ को उल्टा करना है, मतलब जैसे हम मैग्नेट इसे दूर लेकर जाएंगे तब ये ऑन होना चाहिए, और जैसे हम मैग्नेट इसके पास लाएंगे तब ये ऑफ होना चाहिए। तो इसी चीज़ को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रांजिस्टर का। आपको पता होगा ट्रांजिस्टर का दो काम होता है, एक स्विचिंग करना, दूसरा एम्पलीफाई करना। तो हम यहाँ पर स्विचिंग की तरह इसका यूज़ करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का एक सर्किट बनाना है। यहाँ पर हमारा बजर, दो रजिस्टर है, एक रीड स्विच और एक ट्रांजिस्टर। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के एंड में सर्किट डायग्राम बहुत ही बारीकी से समझाया है। और फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पर सारे सिस्टम्स को इसके अंदर फिट किया हुआ है, बस मैंने इस सर्किट को थोड़ा छोटा किया है क्योंकि हमें इसको बहुत ही छोटा करके बनाना पड़ा। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमें यहाँ पर एक मैग्नेट लगाना है अपने वॉलेट के डाउन पार्ट में कुछ इस टाइप से, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर है हमारा सर्किट डायग्राम। तो आप देख सकते हैं ये एक बजर है, यहाँ पर है ट्रांजिस्टर, ये है रीड स्विच जिसको हम मैग्नेटिक स्विच भी कहते हैं, यहाँ पर ये है 100 ओम का एक रेजिस्टर, और यहाँ पर है 1 किलो ओम का एक रेजिस्टर, और यहाँ पर है हमारा 3 वोल्ट का बैटरी। आप चाहो तो यहाँ पर 5 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट का बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 वोल्ट का यूज़ किया क्योंकि ये बहुत ही छोटा था और पोर्टेबल भी था। तो फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पर जो बजर का नेगेटिव है वो कनेक्ट हुआ है ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली पिन के साथ यहाँ पर, और यहाँ पर जो बजर का पॉजिटिव है इसके साथ हमने एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर लगाया है। इस रेजिस्टर का दूसरा एंड हमने यहाँ पर एक कॉमन सा वायर लिया है। ये जो रेजिस्टेंस है ये 100 ओम का रेजिस्टेंस जो कि कनेक्ट हुआ है ट्रांजिस्टर के मिडिल पिन के साथ। इसका भी जो सेकेंड लेग है वो यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है। यहाँ पर है रीड स्विच, इसका एक टर्मिनल हमने ट्रांजिस्टर के लास्ट वाली पिन एमिटर के साथ कनेक्ट किया है, और रीड स्विच का दूसरा टर्मिनल हमने यहाँ पर लगाया है। और यहाँ पर है 3 वोल्ट का बैटरी जो नेगेटिव है वो हमने लगाया है यहाँ पर ट्रांजिस्टर की लास्ट पिन के साथ और इस रीड स्विच के इस टर्मिनल के साथ। और जो 3 वोल्ट का जो पॉजिटिव है वो हमने लगाया है बजर के पॉजिटिव के साथ।